मैं शुरू आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गॉसिप में। प्रियंका चौहान चौधरी के साथ लड़ाई लेने की कोशिश कर रहे हैं शिव ठाकरे जानबूझ के। ये चीजें नजर में आई और मुझे लगता है कि बिग बॉस ये चीजें दिखाना चाहिए बिग बॉस को, क्योंकि ये पता चलेगा कि आखिरकार कौन किसको उंगलियां करता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को एक अपडेट बताई थी, जो कि अपडेट जो है वो दिखाया भी गया था एपिसोड में, और वो ये था कि शिव ठाकरे को बाथरूम जाना होता है पर वहां पर टीना दत्ता रहती है। टीना बोलती है कि मेरे बाद प्रियंका है, और उसके बाद शिव ठाकरे वहां पर काफी ज्यादा बहस बस ये करने लग जाते हैं और धमकी देते हैं कि वीकेंड के वार पे देख लेंगे। अब शिव ठाकरे क्या कर रहे हैं, जानबूझ के लड़ाई लेने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर शिव, एमसी स्टैन और शालिन जो है जिम कर रहे होते हैं, बिग बॉस कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, वहां पर प्रियंका के पास अर्चना बैठी होती है, अर्चना जो है भाग के वॉशरूम में जाती है, वहां से भाग निकलते हैं जिम करते हुए शिव ठाकरे, और शिव ठाकरे को देख के अर्चना भाग लेती है। अर्चना जो है सीधा वॉशरूम में जाके बैठ जाती है बिना कपड़े के, अपने कपड़े लेके नहीं जाती है, नहा के जो पहनने वाले होते हैं। वहां पर शिव हंस पड़ती है और शिव ये बात बोलते हैं कि बाबा तू चली जा, पर मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरे बाद मैं जाऊंगा, मेरे बाद एमसी स्टैंड जाएगा, उसके बाद निमृत जाएगी। तो ये बात वहां पर अर्चना बोल रही है कि इसमें क्या होता है, बताने की क्या जरूरत है, जिसको जाना वो चला जाए। तो शिव बोलते नहीं नहीं, चिल्ला के प्रियंका की तरफ गार्डन में, नहीं नहीं यहाँ पर बताना पड़ता है ना, नंबर लगाना पड़ता है ना। तो वहां पर प्रियंका चुप बैठी रही, प्रियंका की हंसी निकल गई कि यहाँ पर ये जानबूझ के जो है मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि प्रियंका यहाँ पर कुछ बोलेगी। प्रियंका बोलेगी कि भाई तुम तो इतने सारे लोग हो, मुझे पहले जाने दो। तो वहां पर शिव बोलेगी कि जब मैंने उस दिन बोला था तब तो तुम लोग मानी नहीं, तब तो तुम लोगों ने लाइन लगा के रख दी। तो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, साफ तौर पर पता चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये मुद्दा है और ये कंटेंट है, और डेफिनेटली ये कंटेंट दिखाना चाहिए। अगर दिखा दिया तो मजा ही आ जाएगा, आप लोगों को भी पूरा सब चीजें पता चल जाएगी। हालांकि आपके क्या विचार है शिव ठाकरे से जुड़े हुए, हमें अपने विचार जरूर बताइए, क्या सोच रही हैं आप उसके बारे में। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।